तो दोस्तों, हमारे देश के महान इंजीनियर कभी कभी अपनी इंजीनियरिंग के ऐसे महान छाप छोड़ देते हैं कि उसको हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, हाईवे तो बहुत चौड़ा बनाया, लेकिन गाड़ी घूमने के लिए सामने एक गाड़ी इंतज़ार कर रही है, दूसरी घूम रही है। इन्होंने साइड वाला रोड इतना पतला बनाया कि गाड़ी एक बार में घूम ही नहीं पाएगी। अब आप देखिए कि मात्र 6 चक्का गाड़ी है, हालांकि कंटेनर है, कंटेनर थोड़ा लंबा होता है और इसके पीछे डंपर खड़ा हुआ है। डंपर जो है आपको मालूम है 6 चक्के से भी छोटा होता है, और वो भी देखिएगा अभी एक बार में नहीं घूम पाएगा। ड्राइवर साहब ने जैसे ही गाड़ी डाली, पहिया इनका डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, तो इन्होंने गाड़ी बैक करी, और बैक करने के बाद में ये कई बार आगे पीछे करेंगे, उसके बाद गाड़ी घूम पाएगी। तो मेरा जो हमारे देश के महान इंजीनियर हैं उनसे निवेदन है कि भैया, आप जब भी रोड बनाएं तो इस हिसाब से बनाएं, क्योंकि साइड से जो है वो लखीमपुर के लिए यानी कि दूसरे ज़िले के लिए रोड जाता है, और ये रिंग रोड है। रिंग रोड पे मतलब शहर के चारों तरफ भी ये रोड जाता है जहाँ पे ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी घुमा रहे हैं। उसके अलावा कई छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पर ये रोड मिलता है जा करके, तो वहीं पर ड्राइवर साहब जो हो सकता है लखीमपुर साइड में जाने के लिए अपनी गाड़ी घुमा रहे हो। और मेन जो है ये बरेली की तरफ से रोड आ रहा है, लखनऊ की तरफ जा रहा है। अब देखिए ये डंपर खड़ा हुआ, ये भी नहीं घूम पा रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से देखिए आप कितनी पतली सी रोड बनाई है, केवल चढ़ने की जगह है, वापस घूमने की जगह नहीं है। तो वीडियो देख करके आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये जा रहा है लखीमपुर के लिए रोड, और देखिए कितना पतला बना रखा है।